जय श्री कृष्ण। आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था, हमने शारीरिक की परस्पर अभिक्रिया, और हम लोग परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। और अपने पढ़ा था कि अम्ल प्लस क्षारक इज इक्वल टू लवण और जल, ठीक है, इस प्रकार की शब्द समीकरण पढ़ी थी और एक उदाहरण पढ़ा था। फिर अपन ने यह भी पढ़ा था कि अम्ल और क्षार की जो परस्पर अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इसमें बनने वाला लवण जो होता है वो एकदम उदासीन होता है और जल भी उदासीन होता है, क्योंकि जल जो बनता है उसमें अम्ल से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन और क्षार से उत्पन्न हाइड्रोक्साइड आयन के संयोग के फलस्वरूप जल बनता है। आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा अगला टॉपिक जो है पाठगत प्रश्न पेजिंग 27 पे आए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर हम इस प्रकार से लिख लेते हैं ताकि पहले क्या है थोड़े समय वीडियो की में थोड़ा एडिटिंग हो उसमें थोड़ा कम समय लगे इसलिए और जल्दी से बन जाए। तो हमारा पाठगत प्रश्न पेजिंग 27 पे पहला जो प्रश्न है वो हमारा यह है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl तथा नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 आदि जलीय मिलन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं क्यों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, वैसे तो हमको बताएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl और नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 ये जो है ये अम्ल है, और अम्ल हमको पता हमने पढ़ा था अम्ल जल में घुलने पर क्या देते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हमने पढ़ लिया है कि वो जलीय विलयन में आयनित होकर एच प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं, साथ ही साथ उनकी संगत क्या बनेगी ऋण आयन। अगर यहाँ पे HCl है तो यहाँ पे ऋण आयन क्या बनेगा Cl माइनस, और यहाँ पे HNO3 है तो NO3 माइनस ऋण आयन बनेगा देते हैं। अतः ये अम्लीय गुण दर्शाते हैं क्योंकि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। तो अम्ल HCl और HNO3 तो क्या है H प्लस आयन देते हैं इसलिए, ठीक है। अब क्या है लेकिन अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे जो यौगिक होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं क्योंकि ये दोनों ही क्या है सहसंयोजी गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है अम्लीय गुण प्रदर्शित होता है और इनमें अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होता है क्योंकि ये सहसंयोजी यौगिक हैं और सहसंयोजी गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपके ये होगा। अगला प्रश्न है हमारा दो, प्रश्न संख्या दो क्या है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन क्यों करता है। तो अपन ने क्रियाकलाप किया था याद हो तो उसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर होगा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो अम्ल की जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बनते हैं, अभी अपन ने कहा था आयन बनते हैं या उत्पन्न होते हैं जो विद्युत की धारा के प्रभाव के लिए क्या होते हैं सहायक होते हैं। तो अपन ने उस समय किया था कि अम्ल तो हाइड्रोजन आयन देते हैं और विद्युत धारा का वहन आसानी से कर देते हैं क्योंकि ये आयनित हो जाते हैं, ऐसे बढ़ता ग्लूकोज और अल्कोहल में आयन ही बनते हैं इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये अपने उसका आंसर पढ़ा था याद हो तो क्रियाकलाप में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस अर्थात HCl शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंगों को क्यों नहीं बदलती है या क्यों नहीं परिवर्तित करती है। तो हमको पता है कि जब भी शुष्क अवस्था में होता है कोई भी तो आयन नहीं बनते हैं उसके अंदर। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस अर्थात HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक गैस में आयन नहीं होते हैं तो एकदम शुष्क है और आयन कब बनते हैं हमेशा आर्द्रता की उपस्थिति में, या तो हाइड्रोक्लोरिक गैस आद्र होनी चाहिए या फिर लिटमस पत्र आद्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्या है शुष्क है। HCl गैस में आयन नहीं होते हैं अतः आयन हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं इसलिए अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं और अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं तो लिटमस पत्र का रंग भी परिवर्तित नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर हमारा ये था। अगला प्रश्न क्या है हमारा देखिए प्रश्न अगला है अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। तो ये भी अपन ने पढ़ा था अम्ल का तनुकरण अभिक्रिया में और अपन ने पढ़े थे कि अम्ल को हमेशा जल के अंदर
बूंद बूंद करके या धीरे धीरे करके और जिस पात्र में हम ये कर रहे हैं उस बर्तन को हिलाते हुए लगातार अम्ल मिलाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, अम्ल को तंत्रित करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, क्योंकि जल में अम्ल के घुलने की जो अभिक्रिया होती है अत्यंत ऊष्मा क्षेपी होती है, हमने बताया था सात सात ऊष्मा उत्पन्न होती है, अत्यंत ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है और अत्यंत ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होने की वजह से ही जल में सांद्र अम्ल को मिलाना चाहिए। जल में अम्ल को हमेशा धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा जो अम्ल है वो तंत्रित हो जाता है। कभी भी अपने को अम्ल के अंदर जल नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल बूंद बूंद करके धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक है, ताकि उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो अत्यधिक स्थानीय तापमान की वजह से अगर मिश्रण उत्पन्न करके बाहर आ जाएगी तो हम जल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, बच जाएंगे, उसको चित रह जाएंगे, इसलिए हमेशा जल के अंदर अम्ल को धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए, जिससे हमारा अम्ल क्या हो जाएगा, तनुकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, देखिए प्रश्न पांचवा क्या है, अम्ल के विलयन को तंत्रित करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, किस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन है वो जल में मिलने पर क्या होते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा उसका आंसर ये है, अम्ल के विलयन को तंत्रित करते समय अर्थात जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O+ की सांद्रता में प्रतिक्रिया आयतन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, प्रतिक्रिया आयतन में कमी आ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब हम जल के अंदर अम्ल घोलते हैं तो उससे उत्पन्न हाइड्रोजन आयन है वो स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, वो जल के अणु के साथ क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे और जल के अणु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रतिक्रिया आयतन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमें जो अम्ल है वो तंत्रित हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न संख्या 6, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH विलयन में आदित्य सारक मिलाते हैं और सारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो अगले वाले प्रश्न में तो हमारा था कि हाइड्रोनियम आयन कैसे प्रभावित होते हैं, तो इसमें क्या देखिए प्रश्न संख्या 6 का आंसर है हमारे पास, जब NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में आदित्य में सारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ठीक है जो क्षार है वो जल में घुलने पर तंत्रित हो जाता है। तो साबुन बनाने की विधि होती है ना, उसमें हम पानी के अंदर ये जो कास्टिक सोडा बोलते हैं जो कि एक क्षारक है ठीक है, उसमें भी देख सकते हैं वो अत्यंत ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और साथ ही साथ में ठीक है स्थानीय तापमान बढ़ भी जाता है। तो हमारे यहाँ पे प्रश्न का आंसर यह है कि हाइड्रोक्साइड आयन कैसे प्रकट होंगे, हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या फिर वृद्धि हो जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।